एटीट्यूड हम बात कर रहे होंगे हैबिट नंबर वन की, हमारी प्रोएक्टिव। और ये जो हैबिट नंबर वन है, जो कि मैंने ली थी सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और जो कि लिखी है स्टीफन कोवे ने, और उन्होंने बताया कि हाईली इफेक्टिव पर्सन क्या होता है। और मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है हाईली इफेक्टिव पर्सन के बारे में, कौन होता है और क्या होता है। तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले वो देख लेना, फिर देखना प्रोएक्टिव क्या होता है। चलिए बात करते हैं प्रोएक्टिव बनना क्या होता है। तो साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जो कुछ भी हम अपने एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल हाउ द रिस्पॉन्स टू देम। हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करें। तो जो ये चीज़ कर लेता है वो प्रोएक्टिव होता है। तो वो प्रोएक्टिव के बारे में बताते हैं कि प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जो अफेक्ट नहीं होता बैड सिचुएशन के द्वारा, मतलब कहने से जो इंसान प्रोएक्टिव होते हैं, ज़्यादातर जो गोल ओरिएंटेड पीपल होते हैं, जो अपने गोल के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश हो रही है, ट्रैफिक है, उनको पता है कि उनको आज सुबह 4 बजे उठना है, उनको अपना गोल पूरा करना है। तो वो कोई भी बैड सिचुएशन आए वो उसको फेस कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी में, और वो अपने गोल को अचीव करते हैं। सेकेंड चीज़ है, प्रोएक्टिव पर्सन वो होता है जो कि दूसरों के ओपिनियन, जो भी बैड ओपिनियन होते हैं दूसरों के, बिहेवियर से अफेक्ट नहीं होते। जब कोई भी इंसान आपको हर्टफुल थिंग्स बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप में कमी है, कमी उस इंसान में होती है जो वो कह रहा है। तो नेगेटिव थिंग्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड के। तो ये इसमें बताया गया कि प्रोएक्टिव इंसान कभी भी दूसरों के ओपिनियन बिहेवियर से कभी भी इफेक्ट नहीं होते जो उसको हर्ट कर रही होती है। और एक और चीज़, जो प्रोएक्टिव पर्सन होता है उसका उल्टा रिएक्टिव पर्सन होता है। हमने बताया कि जो प्रोएक्टिव इंसान दूसरों से अफेक्ट नहीं होता उसी का उल्टा रिएक्टिव पर्सन होता है। रिएक्टिव पर्सन अपने एनवायरनमेंट के जितने भी बैड थिंग्स हैं उसे इफेक्ट होता है। अगर कोई इंसान उसके आगे कुछ बुरा भला कह देते हैं तो वो इजीली इफेक्ट हो जाता है। और जो बैड थिंग्स जो होती हैं उसके साथ वो नेगेटिव थिंग्स लेकर आती है, जिस वजह से वो भी नेगेटिव बन जाता है। और क्या होता है, स्टीफन हॉकिंग अपना लेक्चर दे रहे होते हैं सैक्रामेंटो पे, और सडनली एक औरत उठती है और बोलना शुरू करती है, जैसे वो देखती है कि लोग उसको देख रहे हैं, और तुरंत जाकर वो बैठ जाती है। और ऐसे में स्टीफन हॉकिंग लेक्चर के बाद उसको बुलाते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो वो औरत है वो एक नर्स है, वो फुल टाइम क्या करती है, डिफिकल्ट पेशेंट्स को वो अटेंड करना पड़ता है, और वो पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा शाउट होते हैं और काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं, और वो कभी भी उस नर्स को थैंक यू नहीं कहते अपनी सर्विस के लिए। तो वो जो पेशेंट्स है कभी भी उसको थैंक यू नहीं बोलते। और जो स्टीफन का जो टॉपिक जो लेक्चर का था वो रिएक्टिविटी पे है, तो वो औरत बताती है कि वो कितनी दुखी है और वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। तो स्टीफन कॉवे रिएक्टिविटी का लेक्चर उसको देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें प्रोएक्टिव बनो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे, और तुम अपने जॉब से खुश रहो। और इसी के बारे में वो लेक्चर देते हैं। तो जो नर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड हो जाती है, उसको समझ में आने लगता है कि उसकी सर्विस जो वो देती है उसकी वैल्यू भले ही लोग ना करते हों, बट वो जानती है कि उसे रिएक्ट नहीं करना है उस चीज़ पर, और जो भी वो वर्क कर रही हो अपने गोल के प्रति उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना है, उससे उसे खुश रहना है। तो इसी के साथ वो वुमेन समझ जाती है कि प्रोएक्टिव बनना कितना इम्पोर्टेंट होता है इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव बनने से। तो आज का वीडियो यही था कि कैसे प्रोएक्टिव बनना चाहिए, और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग प्रोएक्टिव ही होते हैं। वो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके एनवायरनमेंट से वो क्या करते हैं, उनको पता है कि उनका ये गोल है, उनको करना है, वो करते हैं। और हैबिट नंबर 2 जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं।